हिम्मत हारने वालों के लिए रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। मुंबई रोड ट्रिप के दौरान हम मिले एक ऐसे ही स्ट्रीट फूड वेंडर से जिसकी स्टोरी हम सब के लिए काफी इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग है। ये हैं बच्चूलाल गुप्ता, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण पेश किया है। एक छोटे से स्टॉल पर ये सैंडविच बनाते हैं और इनकी सैंडविच का हर कोई मुरीद है, तो चलिए हम भी इनके स्टॉल की सैंडविच का स्वाद लेते हैं। वाह, बच्चू लाल गुप्ता। ये देखिए, इन ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनका जो बनाया हुआ सैंडविच है, कितना खूबसूरत सैंडविच बनाया है इन्होंने। जब इनसे मैं नाम पूछा, नाम इन्होंने लिख के बताया, बच्चू लाल गुप्ता। और इनका एड्रेस है, अगर आप कभी भी गढ़वाड़े विलेपाल ईस्ट में हो, गढ़वाड़े हाउस के पास हो, गढ़वाड़े हाउस के सुभाष रोड पे यह दुकान है। अभी हम खाने जा रहे हैं सैंडविच, यहाँ का पैसा कितना? 30 रुपये, 35, 35 ना, 35। बच्चों लोग का फेवरेट सैंडविच है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रोज आते हैं सैंडविच खाने? हाँ, मॉर्निंग में फेवरेट है मेरा, तो मैं आती हूँ। मैं यहाँ पे स्कूल से आती हूँ, लाइक मेरा स्कूल यहीं पे पास में है, तो हम यहाँ पे हमेशा आते थे, तो तभी मुझे पता था कि ये बोल नहीं सकते एंड ऑल। फिर ये बहुत अच्छा सैंडविच बनाते हैं, मेरा फेवरेट है। तो आपको यहाँ का सैंडविच कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कितने टाइम से आप ये देख रहे हैं आप इसको? बहुत साल, मतलब मैं तो, हाँ हम लोग तो 3 साल हो गए, बट इन लोग को बहुत साल, मैं बचपन से देख रही हूँ। पहले इनका वहाँ पर था, अभी थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए। हाँ, हम 3 से 4 साल से देख रहे हैं कि लोग यहीं पे खाना बना। हाँ बहुत बहुत अच्छा। अंकल की शॉप है यहाँ पे, और शॉप के सामने ही इनका स्टॉल है, बच्चू लाल जी का। तो अंकल आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? ये हमारे यहाँ 12 साल विगत से काम कर रहा है, 12 साल हो गए इनको यहाँ लगाते, और अपना सेल्फ धंधा करता है बेचारा, बहुत लेबोरियस, बहुत ईमानदार। एक बार आप एड्रेस इनका बता दीजिए, कहाँ पे दुकान है? ये सुभाष रोड गरवारे से महिला संघ की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ही है ये दुकान, मराठा भवन शॉप नंबर 7 के सामने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही आप तक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आते रहें। ऐसे लोग हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं, और बच्चू लाल गुप्ता की इस हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं। अगर आप लोग मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में हैं, तो एक बार जरूर उनके स्टॉल के सैंडविच का स्वाद लें, और ऐसे ही हिम्मती लोगों को सपोर्ट करें। बस हम चलते चलते इतना कहना चाहेंगे, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, दूसरों की कमी निकालने में नहीं, बल्कि खुद की कमी को दूर करने में। तो मिलते हैं जल्द ही कुछ और नया लेकर। नमस्ते।